Hello and welcome all of you, and you're watching K-Commerce Academy with me, Kunal Singhal. In today's video, we are going to discuss one of the principle of management propounded by Henry Fayol. That is the first principle, division of work. So what do you think? What is meant by division of work? According to this principle, whole work must be divided into small tasks or jobs, and each job must be assigned to a trained specialist who is competent to perform it. अब मैं इसको आपको समझाता हूँ बहुत ही सिंपल वर्ड्स में कि इसका मीनिंग क्या है. एक ऑर्गेनाइजेशन में जो काम होता है उस वर्क को अगर हम डिफरेंट स्मॉल पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दें और हर पार्ट सिर्फ एक पर्टिकुलर पर्सन को अलॉट कर दें, उस पर्सन को वही काम करने के लिए कहा जाए. फॉर एग्ज़ाम्पल, एक ऑर्गेनाइजेशन है जो फर्नीचर बनाती है, लकड़ी का फर्नीचर बनाती है, और उसमें लकड़ियाँ काटने का भी काम होता है. उन लकड़ियों को आपस में जोड़ के उसको चेयर और टेबल के फॉर्म में बनाने का भी काम होता है, और फिर उनको पेंट करने का काम होता है. तो फर्नीचर बनाने का जो काम था इसको हमने तीन स्टेजेस में कर दिया. एक तो लकड़ियाँ काटनी है, दूसरा उनको हथौड़ी और कील लेके जोड़ना है, और तीसरा उनको पेंट करना है. और ये तीनों अलग अलग जो हमने डिवाइडेशन किया वर्क का, ये तीन अलग अलग पर्सन को हमने अलॉट कर दिया. अच्छा, अलॉट भी किस बेसिस पे किया? जो पर्सन लकड़ी काटने में एक्सपर्ट है उसको हमने लकड़ी काटने का काम दिया. जो पर्सन उनको कील और हथौड़ी से सही शेप में जोड़ने में, टेबल और चेयर के सही शेप में जोड़ने में एक्सपर्ट है, हमने उसका काम उसे दिया. एक पर्सन जिसके अंदर पेंट करने की कैपेबिलिटी क्वालिटीज़ बहुत अच्छी थी उसको हमने पेंट करने का वर्क दिया. तो हमने क्या किया, जो टोटल वर्क था फर्नीचर बनाने का उसको डिवाइड कर दिया, डिवीज़न ऑफ वर्क कर दिया, और तीन पार्ट्स उसके बना दिए, और ईच पार्ट हैव बीन अलोकेटेड टू अ डिफरेंट पर्सन. अब वो एक पर्सन जब उसी काम को बार बार करता रहेगा तो उसको क्या बेनिफिट मिलेगा? कुछ ऑब्वियसली उसमें स्पेशलाइजेशन आ जाएगा. एक ही काम को जब इंसान वापस वापस बार बार करता रहता है तो उसमें स्पेशलाइजेशन आ जाता है. अच्छा, आगे देखिए कि ये जो डिवीज़न ऑफ वर्क का प्रिंसिपल है, हेनरी फ्योल ने डिवीज़न ऑफ वर्क का जो प्रिंसिपल इस्टेब्लिश किया है, ये प्रिंसिपल मैनेजरल लेवल पे भी अप्लाई होता है और टेक्निकल वर्क पे भी अप्लाई होता है. यानी कि आप फैक्ट्री में वर्कर्स का जो वर्क है, मशीन पे काम करना है, या अभी जो मैंने आपको एग्जांपल दिया कि लकड़ी काट के उसको फिर जोड़ के और पेंट करना था, तो ये टेक्निकल वर्क हो गया. उसको आप अगर डिवाइड करना चाहें वो भी कर सकते हैं. और ये मैनेजरल लेवल पे भी वर्क करता है. कैसे? आपने देखा होगा अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस में अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं. प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट एक हो गया. उसके अलावा फाइनेंस डिपार्टमेंट, सेल्स एंड मार्केटिंग डिपार्टमेंट, परचेज डिपार्टमेंट, अकाउंट्स डिपार्टमेंट. तो अब ये अलग अलग डिपार्टमेंट जो हमने बनाए हैं, ऑब्वियसली इसके अंदर मैनेजर अपॉइंट करेंगे. प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में प्रोडक्शन मैनेजर, फाइनेंस डिपार्टमेंट में फाइनेंस मैनेजर, अकाउंट्स डिपार्टमेंट में अकाउंट्स मैनेजर, मार्केटिंग एंड सेल्स डिपार्टमेंट में मार्केटिंग मैनेजर. और वो किस बेसिस पे हम पर्सन को अपॉइंट करेंगे? उसकी क्वालिटीज़ की बेसिस पे, क्वालिफिकेशन की बेसिस पे. तो ये क्या हो गया आपका, दैट इज़ प्रिंसिपल ऑफ डिवीज़न ऑफ वर्क मैनेजरल लेवल पे भी अप्लाई होता है और टेक्निकल वर्क के लिए भी अप्लाई होता है. आगे देखें, इसका जो मेन बेनिफिट आपको मिलता है डिवीज़न ऑफ वर्क अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन में इस प्रिंसिपल को आप अप्लाई करते हो, तो मेन इसका बेनिफिट क्या मिलेगा? रिपीटेड परफॉर्मेंस हेल्प्स इन गेनिंग स्पीड, एक्यूरेसी एंड स्पेशलाइजेशन. एक इंसान एक ही काम को जब बराबर बार बार करता जाएगा तो एक तो उसकी स्पीड बढ़ जाएगी, उसका जो वर्क परफॉर्मेंस है उसमें एक्यूरेसी आएगी. पहले थोड़ा ख़राब कर रहा होगा तो अब अच्छा करने लगेगा. और स्पेशलाइजेशन आएगा, स्पेशलाइजेशन का और एक बेनिफिट मिल जाएगा, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज हो जाएगा, एफिशिएंसी लेवल इंप्रूव हो जाएगी. तो डिवीज़न ऑफ वर्क का ये हमें मेन बेनिफिट मिलेगा, दैट इज़ जो काम इंसान वापस वापस करता रहेगा तो उसके अंदर स्पेशलाइजेशन अचीव हो जाएगा. अब हमें एक एग्जांपल समझना है. आप लोगों ने बैंक में तो कभी ना कभी विजिट किया ही होगा, तो आपने देखा होगा बैंक में अलग अलग काम होते हैं. कैश रिसीव का काम होता है, पेमेंट्स का काम होता है, इशू ऑफ चेकबुक का काम होता है, ड्राफ्ट वगैरह अगर किसी को बनवाना है तो वो काम होता है, किसी को अकाउंट ओपन करवाना है तो वो काम होता है, किसी को लोन वगैरह लेना है तो वो एक काम होता है. मतलब एक बैंक में अगर आप जाएं तो बहुत सारे अलग अलग तरीके के काम होते हैं. और किसी को पासबुक में सिर्फ एंट्री करवानी है वो एक काम हो गया. तो इतने सारे काउंटर्स बने होते हैं, वहाँ पे अलग अलग काउंटर पे अलग अलग पर्सन बैठे होते हैं, और हर काउंटर पे एक स्पेसिफिक काम ही होता है. अगर किसी काउंटर पे कैश रिसीव्ड का काम हो रहा है तो उस काउंटर पे कैश
पेमेंट नहीं मिलेगा आपको, अगर नकदी आपको प्राप्त करनी है तो आपको दूसरे काउंटर पे जाना पड़ेगा, अगर आपको पासबुक प्रिंट करवानी है तो आपके लिए तीसरा अलग काउंटर होगा। तो हमने क्या किया, हमने वर्क को जो टोटल बैंकिंग का वर्क था उसको डिवाइड कर दिया, उसके लिए अलग अलग काउंटर बना दिए, उन काउंटर पर अलग अलग पर्सन बिठा दिए और वो पर्सन को एक ही काम दिन भर करना है। तो ये क्या है, दिस इज़ द एप्लीकेशन ऑफ डिविजन ऑफ वर्क। अब हमें ये समझना है कि ये प्रिंसिपल अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन में आप अप्लाई करते हो तो उसका बेस्ट आपको रिजल्ट क्या मिलेगा या उसका एडवांटेज आपको क्या मिलेगा, व्हाट विल बी द पॉजिटिव इफेक्ट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ दिस प्रिंसिपल इन द ऑर्गेनाइजेशन। इट विल लीड्स टू स्पेशलाइजेशन एज द वर्क इज डिवाइडेड एज पर क्वालिफिकेशन। हम ऐसा नहीं कोई भी काम किसी को भी दे देंगे, हमने जो काम डिस्ट्रीब्यूट किया है, जो हमने वर्क अलोकेट किया है, वी हैव अलोकेटेड दिस वर्क ऑन द बेस ऑफ क्वालिफिकेशन, on the basis of quality, on the basis of capability, on the basis of interest of the worker. जिस person का जिस field में interest था, जिस चीज़ की उसके पास qualification थी, जिस चीज़ में उसके अंदर qualities थी, उसी के basis पे हमने उसको वो work allot किया। अगर आप accounts department में manager appoint करना चाहते हैं, obviously you will choose an CA. लेकिन अगर आप production department में manager appoint करना चाहते हैं, we will choose CMA. तो ये difference आ गया। तो ये होता है इसका सबसे पहला पॉजिटिव इफेक्ट। और हमें क्या बेनिफिट मिल सकता है, इट सिंप्लीफाइज द वर्क एंड इंक्रीजेज द एफिशिएंसी एज सेम वर्क इज़ परफॉर्म रिपीटेडली। एक इंसान को आपने वर्क जो अलॉट किया था, ऑब्वियसली उसकी क्वालिफिकेशन के बेसिस पे अपॉइंट अलॉट किया था, और बाद में वो व्यक्ति उस काम को बार बार करता जाता है तो उसके अंदर एफिशिएंसी लेवल और इम्प्रूव हो जाता है। अच्छा, अब मान लीजिए कि अगर आपने किसी ऑर्गेनाइजेशन में ये प्रिंसिपल अप्लाई नहीं किया है, अगर ये प्रिंसिपल हम वायोलेट करते हैं तो हमें उसका क्या ड्रॉबैक मिलेगा, देयर विल बी अ लैक ऑफ एफिशिएंसी एंड स्पेशलाइजेशन। ठीक है, पहला तो ये ड्रॉबैक मिल जाएगा अगर आप अप्लाई नहीं करते तो। दूसरा, देयर विल बी द वेस्ट ऑफ टाइम एंड एफर्ट्स ड्यू टू चेंजेस फ्रॉम वन वर्क टू अनदर। एक ही पर्सन को एक सारे काम अगर करने पड़ेंगे तो वो पहले एक काम करेगा, फिर उठ के जाएगा दूसरे काउंटर पे दूसरा काम करेगा, फिर उठ के जाएगा फिर तीसरे काउंटर पे वो तीसरा काम करेगा। तो यानी कि उसका जो एक ही काम उसको अलग अलग जगह पे जाके करना पड़ रहा है, इट विल रिजल्ट इन वेस्ट ऑफ टाइम एंड एफर्ट्स एंड एनर्जी ऑफ द एम्प्लॉयज़, और उसका अल्टीमेटली खामियाजे किसे भुगतना है, ऑर्गेनाइजेशन का प्रॉफिट कम हो जाएगा, ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ पे फ़र्क पड़ेगा। तो इसके कॉन्सिक्वेंसेस थे वायोलेशन के। ये जितने भी पॉइंट्स मैं आपको बता रहा हूँ ये NCERT बुक से लिए गए हैं, आप इनको वीडियो को पॉज करके कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए, आपका पूरा चैप्टर एक तरह से नोट्स रेडी हो जाएंगे, इस तरह के ये पॉइंट्स हैं। और अब सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट इस डिवीज़न ऑफ वर्क का जो प्रिंसिपल है इसके बारे में, वो ये दैट दिस प्रिंसिपल फॉर्म्स द बेसिस ऑफ मैनेजमेंट टेक्निक ऑफ फंक्शनल फोरमैनशिप। आपको मैंने पहले के वीडियो में बताया था, दैट इज़ हेनरी फ्योल एंड FW टेलर, दो लोगों ने कंट्रीब्यूशन किया इन द फील्ड ऑफ मैनेजमेंट। FW टेलर ने प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट भी बनाए हैं और टेक्निक्स ऑफ मैनेजमेंट भी बनाई हैं। तो एक टेक्निक ऑफ मैनेजमेंट है नोन एज फंक्शनल फोरमैनशिप, और ये फंक्शनल फोरमैनशिप क्या होती है ये तो हालांकि हम आगे की वीडियो में समझेंगे, लेकिन अभी मैं आपको बता दूं कि फंक्शनल फोरमैनशिप का जो मैनेजमेंट टेक्निक है, इसका बेसिस, इसका जो ग्राउंड रेडी हुआ है वो डिवीज़न ऑफ वर्क से ही हुआ है। ये आपको अपने माइंड में याद रखना है एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस में, और जब आप प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन में अपीयर होंगे वहाँ पे वाइवा में ये बहुत यूज़फुल होता है। और अब सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात, दैट इज़ आई एम पोस्टिंग द वीडियोस फॉर अकाउंटेंसी इन बिजनेस स्टडीज एवरी डे। आप इनको देखें, कोई भी क्वेरी होती है तो कमेंट में लिखें, आप मुझे चाहें तो इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे मैं अक्सर लाइव आता हूँ, वहाँ पे आपकी जो भी क्वेरीज़ हैं आप फेस टू फेस मुझसे डिस्कस कर सकते हैं, अपने क्वेरीज़ को सॉर्ट आउट कर सकते हैं। आज जैसा कि लॉकडाउन पीरियड इंक्रीज़ कर दिया गया है 3 मई तक के लिए, तो लॉकडाउन रहे, लॉकडाउन अपने घर में रहने के लिए है, डिजीज़ से बचने के लिए है, स्टडीज़ के ऊपर लॉकडाउन नहीं है। डू नॉट सस्पेंड योर स्टडीज़, कीप कंटिन्यू विद योर स्टडीज़। ओके, थैंक यू।